दीपाज किचन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बनाएं समोसे, दही बड़े और आलू की टिक्की के साथ खाई जाने वाली इमली की खट्टी मीठी चटनी। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने 3/4 कप इमली लिए था। उसको हमने 2 ग्लास पानी में भिगो दिया 5 से 6 घंटे के लिए। उसके बाद हमने उसको स्ट्रेनर से छान के, उसके बाद जो उसका पल्प निकला था उसको भी मिक्सी में पीस के हमने फिर दोबारा से उसको हमने छान लिया इस तरह से। इमली की चटनी में मिलाने के लिए हमने लिया है 1 कप गुड़, आधा कप चीनी, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/4 इसमें है टीस्पून सौंफ, कलौंजी मेथी और 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून काला नमक, 1 टीस्पून सफ़ेद नमक, 1/2 टीस्पून सोल्ट पाउडर और 1/2 टीस्पून में लिया है भुना हुआ जीरा। सौंफ, कलौंजी, मेथी को हम भून कर पीस लेंगे। अब हम चटनी बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, इसमें हम डालेंगे इमली का घोल। इसी में हम डाल देंगे गुड़। मीठा आप अपने हिसाब से कम ही ज्यादा कर सकते हैं। चीनी डाल देंगे। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे और इसको इसमें हम घुलने देंगे। जब तक गुड़ घुल ना जाए तब तक इसको हम पकने देंगे हाई फ्लेम पे। गुड़ देखिए अच्छे से इसमें मेल्ट हो गया है। अब हम यहाँ पे गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और लो से मीडियम पे हम चटनी को पकने देंगे। चटनी को बॉईल होते हुए 5 मिनट हो गए हैं। अब यहाँ पे हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, सोल्ट पाउडर, सफेद नमक और इसको हम लो से मीडियम फ्लेम पे और पकने देंगे जब तक कि गाढ़ी ना हो जाए। चटनी पक के देखिए गाढ़ी हो गई है। अब यहाँ पर हम डालेंगे गरम मसाला, भुना हुआ जीरा पाउडर और सौंफ, कलौंजी, मेथी को हमने भून के पीस लिया है वो भी मिला देंगे। सबको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस को बंद कर देंगे। चटनी में अगर आपको छुहारे डालने हो तो उसको आप बारीक काट के शुरू में ही डाल दीजिए और इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हैं। चटनी बन के तैयार है। इस चटनी को आप दही बड़े, आलू की टिक्की और समोसे के साथ भी खा सकते हैं। चटनी बहुत अच्छी बन के तैयार हुई है। इमली की खट्टी मीठी चटनी बन के तैयार है। हमने इसमें ऊपर से बहुत थोड़ा सा चिली फ्लैक्स डाला है, देख रही है। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।